शुभारंभ शुभारंभ भव्य शुभारंभ आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटाघर दमोह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर दमोह में भी शोक की लहर है। दमोह श्री जोगी की ससुराल है और इस लिहाज से वो यहाँ से बेहद करीब से जुड़े रहे हैं। उनके साले स्वर्गीय रत्न सालोमन दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, तो उनके भतीजे और भतीजी आज भी दमोह में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। जैसे ही जोगी के निधन का समाचार मिला, शहर में शोक की लहर छा गई। पूर्व मंत्री सालोमन के बेटे और बेटी के पास लोगों ने पहुंचकर संवेदनाएं जाहिर की हैं। जिले के जबेरा से विधानसभा की प्रत्याशी रही तान्या सालोमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिवार ने अपना मुखिया खोया है। वहीं उनके भतीजे आदित्य सालोमन ने कहा कि जोगी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तूफान टीवी परिवार की अजीत जोगी को विनम्र श्रद्धांजलि। परिवार के तो मुखिया ही रहे और पिता के लिए एक बहुत बड़े गाइडिंग हैंड थे वो। पापा के लिए उन्होंने बहुत कुछ, मतलब राजनीतिक तौर पे बहुत सलाह दी, उनको मार्गदर्शन किया उनका। और उनके गुजर जाने के बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तो मेरे लिए तो वही सब कुछ थे, क्योंकि मैं तो इतना कुछ समझती नहीं थी। और पिता के जाने के बाद मुझे ये लगता था कि मेरे पिता हैं जोगी अंकल, सिर्फ एक फूफा जी के रूप में मैं उनको नहीं देखती थी, वो मेरे बड़े पापा के रूप में ही मैं उनको समझती रही। पूरे परिवार के लिए निश्चित ये मतलब बहुत बहुत दुख की बात है। ये उन्होंने अपना लड़ाई लड़ा, 9 तारीख से एडमिट रहे वो, बहुत प्रयास किए सभी डॉक्टर्स ने, सभी लोगों ने, उनके छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्रयास किया, उनके लिए दुआएं की, विनती करी। सिर्फ नाच छत्तीसगढ़ से भी नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों ने भी उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं करी हैं। और लेकिन अब ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती कहते हैं, तो अब ईश्वर की जो मर्ज़ी आई है वो कबूल है, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस। फ़िलहाल तो अभी एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा है बोलने को क्या। अभी 10 मिनट पहले ही हमें पता लगा, अस्पताल से फ़ोन आया कि ये दुखद घटना हो गई है। उनको रात में भी जहाँ तक कल अटैक आया था कार्डियक अरेस्ट, लेकिन डॉक्टर ने रिकवर कर दिया था उनके हार्ट को, लेकिन अभी पुनः फिर से आया, जिस वजह से उनको शायद 2 घंटा कोशिश करी रिकवर करने के, लेकिन शायद ईश्वर को इस बार मंजूर नहीं था। बहुत लड़ाई लड़े उनने, हमारे परिवार और सबके लिए एक स्तंभ रहे वो, और हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा एक क्षति है। पहले पिताजी का गुजरना, अब ये घर के हमारे बहुत, मतलब एक बड़ा हमारे लिए लॉस है। ये शब्द नहीं है अभी कुछ कहने के लिए, मेरे पास स्तब्ध हूँ अभी इस घटना से। और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी क्षति है जो हमारे परिवार को पुनः फिर से हुई है। शीघ्र अति शीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9993762138 और 7999888।